ये देखो गाड़ी अपनी चल चुकी है 2,63,112 किलोमीटर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह का बज चुके हैं ऑलमोस्ट 10:35। आज है ना भाई, अपन शेविंग नहीं करने वाले। मेरी शक्ल थोड़ी सी आपको क्या बोलते हैं, बियर्ड आ चुका है, तो इट्स ओके, आपको इग्नोर कीजिए। क्योंकि मुझे है ना अभी बहुत सारा काम है आज भाई, गाड़ी में बहुत सारा काम करवाना है और वो बहुत मेजर काम है भाई। मतलब दिल खुश हो जाएगा आप लोग का देखने के बाद। तो जाते मतलब काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी, थोड़ा सा काम हो गया है, अभी वो चीज़ हम लेने को जा रहे हैं। मैं घर में सब कुछ एक ही व्लॉग में बता दूंगा, मतलब एक ही फ्लो में बता दूंगा कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, तो फिर मज़ा क्या है भाई। थोड़ा आप भी सफ़र करो और हम भी सफ़र करते हैं भाई। आपको टाइटल बाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया रहेगा ना कि आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं मलाड वेस्ट लिंक रोड पे। बट हम मलाड वेस्ट इसलिए जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे एक शॉप है ऑटो स्पेस करके, विच इज़ ओन बाय रवि भाई। रवि भाई वही इंसान है जिनका टायर का शॉप है क्विक फिक्स ऑटो करके, जहाँ पे मैं हमेशा अपनी गाड़ी का टायर चेंज करवाता हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, राज है और मेरे बहुत सारे दोस्त है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जो दोस्त फ्रेंड देखे होते हैं रिलेटिव्स इनफैक्ट, जो हमेशा रवि भाई के पास ही जाते हैं फॉर एनी टायर वर्क। भाई आपको एक और चीज़ बताना है कि आज मैं है ना एक नया माइक मंगाया है बोया से, तो फिलहाल तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। आपको मुझे सिर्फ इतना बताना कि आज का वॉइस क्लैरिटी सही है, आपको पसंद आ रहा है, बिकॉज बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई आपके वॉइस कभी कभी ना बहुत ऊपर है, कभी कभी बहुत नीचे है, कभी कभी समझ भी नहीं आता आप क्या बोलती हो बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस बार मैंने बोया से मंगाया है एक क्या बोलते हैं माइक, प्लस मैंने और भी दो कंपनी से मंगाया है, वो अनफॉर्चुनेटली कल आने वाला था बट आ नहीं पाया, मेरे घर पर डिलीवर नहीं हुआ, तो शायद आज होगा या कल होगा। भाई ये जो सिग्नल है ना भाई, दिस इज़ वन ऑफ दी वर्स्ट सिग्नल, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे जाम होता ना भाई। आज तो भी मैं आई गेस दो तीन सिग्नल के बाद मुझे मौका मिलेगा, नहीं तो भाई कभी कभी ना यहाँ पे ना भाई 10-12 सिग्नल लग ही जाते हैं। 10-12 नहीं, ज़्यादा बोलते हो 5-6। ये देखो ज़्यादा दूर नहीं है एक्चुअली, सिर्फ 2.4 किलोमीटर बाकी है यहाँ से, बट ये जो सिग्नल है ना भाई मिड चौकी सिग्नल बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे कम से कम मेरे को है ना आई गेस और दो सिग्नल रुकना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं रवि भाई के शॉप पे इसलिए जा रहा हूँ अभी, जो उनका सेकंड शॉप है ऑटो स्पेस करके, जहाँ पे गाड़ी का हर मैकेनिकल काम, डेंटिंग पेंटिंग से लेके आपका सर्विसिंग से लेके कुछ मेजर काम है, जैसे सस्पेंशन चेंज करना है, क्लच का काम है, सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ बिकॉज मुझे वहाँ से एक सामान उठाना है, और भाई वो जब आप देखोगे ना भाई तो आप लोग इतने खुश हो जाओगे ना, बिकॉज मैं तो सच बोलूँ ना, मैं कल रात को है ना मेरे को दिमाग में वही आ रहा था कि बस कब वो सामान मेरे पास आए एंड बस बस। मतलब आप देखो आपको सही में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा वो। देखो सिग्नल चालू तो हुआ है बट आप पहुँचते पहुँचना ये सिग्नल बंद हो जाएगा, ये सेकेंड सिग्नल है आप माता देखो कहा था ना सिग्नल बंद हो जाएगा, और ये हो गया सिग्नल लाल। अभी हमको यहाँ पे रहना है खड़ा, कम से कम 5-6 मिनट तो ऐसे स्टैंडिंग ही रहेगा। अभी हम जा रहे हैं मलाड वेस्ट। कितनी बार बोली कि एक चीज़, मैं एक्चुअली लाखों दी टोटा में बहुत बार फ़ोन कर चुका हूँ तेजस भाई को, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे, शायद कोई मीटिंग में बिजी रहेगा। मुझे ना एक सामान वहाँ से भी पिकअप करना रहेगा अगर अवेलेबल होगा तो। ये देखो ये है हुंडई का शोरूम लिंक रोड पे मलाड, एंड ये है ऑटो स्पेस रवि भाई का शॉप। गाड़ी ये पार्क कर लेते भाई, मैंने यहाँ से सामान उठा लिया है और आपको देखना है। ये देखो ये है बम्पर, अभी कौन से शेप का है क्या है वो तो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा धीरे धीरे। अभी हम जा रहे हैं मलाड लाखों से टोयोटा, वो भी जस्ट बात हुई अभी मेरी, एंड मुझे ना बम्पर का लॉक लेना है बिकॉज मेरे बम्पर के आगे के लॉक्स जो है ना वो सब टूटे पड़े हैं, तो मैंने एक्चुअली चिपकाया हुआ है वो, तो यहाँ से जाके नए बम्पर के लॉक्स परचेज कर लेते हैं भाई। ये देखो ये बम्पर है फिलहाल, तो मैं आपको ऐसे दिखा पा रहा हूँ, और लाखों लीटर पहुँच चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे अंदर जाने की जगह नहीं है बिकॉज बहुत सारा आज गाड़ियों का क्या बोलते हैं सर्विस या वगैरह जो भी रहेगा। तो मैंने उनसे बात किया था, सचिन करके गए हैं, तो वो बोले कि सर आप गाड़ी यहीं पे बाहर रखो गेट के उधर ही, मैं फटाफट उसका है ना पर्चेज ऑर्डर बना के मैं वो सामान लेके बाहर ही आ जाता हूँ और आपको वहीं पर हैंड ओवर करता हूँ। बिकॉज अगर यहाँ पे गया ना भाई तो सामान हाथ में आते आते 5 मिनट लगेगा, लेकिन गाड़ी को अंदर बाहर करने में कम से कम आधे पौने घंटे का ऊपर हो जाएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं रिदम कार एक्सेसरीज में हार्दिक भाई के शॉप पे, जहाँ पे ये सारा फिटिंग होने वाला है। तो ये है अपना सारा सामान, ये सारा सामान आया था आज अपने किट में, बम्पर पे लिया गया था, बम्पर मैंने पिकअप करवा के उसको दिया था फॉर पेंटिंग ताकि मुझे टाइम बचे। और ये बाकी पूरा टाइप वन से खत्म, टाइप वन की खत्म है, 2019 मॉडल से लेकर 2024 वाला जो लेटेस्ट फेस लिफ्ट ना ये वो है। तो इसमें क्या क्या सामान आया है देखते हैं। इसमें तो फॉग लाइट भी आया है, टेल लाइट भी आया है भाई, ये क्या है? अच्छा लोगो, ओके ओके बहुत सही है। ये है जो सबसे मेन है टाइप 4 का ग्रिल, कैसा सिराज भाई सही है ना? तो ये जो अपना फ्रंट ग्रिल है ना भाई, ये टाइप 1 का है, जो 2019 वाला मॉडल का है,
तो आज हम ये पूरा कुछ जितना भी आपको दिख रहे हैं आगे हेडलाइट्स करके बाकी सब कुछ चेंज होगा, इवन फॉग लाइट्स, टेल लाइट, टेल मतलब जो पार्किंग लाइट्स है वो भी चेंज होने वाला है आज। तो फिलहाल तो अभी सारा जो प्रोसेस है खोलना है इसको, तो पूरा फ्रंट ग्रिल, शो ग्रिल, बम्पर, फॉग लाइट, टेल लाइट, टेल लाइट नहीं क्या बोलते सॉरी पार्किंग लाइट, तो ये सारी सारी चीज़ें बाहर निकल जाएगी। देखो मैंने ये जो पट्टी है ना ये लाया था अभी टोटा से, बिकॉज ये मेरा टूटा हुआ था लॉक बम्पर का, बम्पर को इसमें फिट करने के लिए एक ऑप्शन था उसको चिपकाना था, तो ये मैंने बहुत पहले टोटा में चिपकाया था, दो तीन बार चिपकाया मैं एक्चुअली, बिकॉज फिर मैंने जो मेरे को खोला था काम करने के लिए, फिलहाल अभी इसको भी हम लोग नया लेके आ गया। मेरे बम्पर खोलने में इतनी सारी मगजमारी होती है, ऑफर से या फिर दो एक बार जाते थे तो वापस खींचो और बम्पर बाहर निकल जाता है, ये तो भाई बहुत कुछ सेम चीज़ है। ये देखो यहाँ पर भी सेम सीन है, इसको खोलने के लिए भाई इतना टाइम लगा रहा हमारा बम्पर को पूरा चिपका हुआ था, और कंपनी जब चिपकाती ना भाई वो बहुत ज़बरदस्त चिपकाती है, तो इतना दम लगाना पड़ रहा है इनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा। ये देखो पूरा बम्पर अभी निकल चुका है, अभी अपना थोड़ा है ना हेडलाइट सेटिंग करना, बिकॉज हेडलाइट का मेरा ब्रैकेट थोड़ा टूटा हुआ था, तो ये अपन थोड़ा सेटिंग वेटिंग करते हैं मस्त, तो वो सब करेंगे भाई करेंगे, फिलहाल तो ये देखो गाड़ी का अलग, तो ये चलो गए अपना काम, ये बम्पर एंड इस पर फॉग लाइट्स ग्रिल सब कुछ लगेगा, और फॉग लाइट भी अपन ने नया डाला है विद 300 वॉट्स का पावर कम, तो ये हो गया अपना पहला फॉग लाइट राकेश एंड प्रीवियस जो लगता है उसके लिए, और ये है अपना जी है ये है एक फॉग लाइट लग गया वहाँ पे, हम भाई भी दूसरा फॉग लाइट का स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे लग जाएगा। सो फाइनली भी हम लगा रहे अपना बम्पर, लेकिन उसके पहले ये जो ब्रैकेट्स है ताकि लॉक होता है बम्पर, ये जूनो वाले पे है ना, और जो भी हमने एडहेसिव यूज़ किया था ना वो लग गया है, तो अभी ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, निकल के हम जो भी टोटा से लेके आते ना वो लगाएंगे इसको, मैं रिप्लेस कर देगा इंशाल्लाह। तो ये देखो ये है कंपनी का नया लॉक, इस पर अपना बम्पर फिटोगा भी, और हमने जो बल्ब मंगाया ना वो है DE ऑडियो का 300 वॉट्स का ये बल्ब, ठीक है, दिस इज फॉर हाई बीम लो बीम, मतलब ये लगेगा फॉग लाइट्स के अंदर, तो बहुत सही है 300 वॉट मतलब 150 वॉट ईच, ये फिटिंग रखे हैं बल्ब के अंदर। तो फाइनली अपना बम्पर भी आ रहा है और अभी लग जाएगा गाड़ी में, तो ये है नया बम्पर और वो है जो बम्पर सुबह फाइनली फिटिंग हो चुका है, और आप देख सकते हो गाड़ी का फिनिशिंग इतना परफेक्ट है, इतना मस्त लग रहा है ना भाई, एक्चुअली अपनी गाड़ी ना थोड़ी सी बहुत ब्लैक वाइट ठुकी थी, तो थोड़ा सा मुझे डेंटिंग का काम करवाना पड़ा जाके अभी, बिकॉज वो प्रॉपर फिट नहीं हो रहा था, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, वरना अपना ये काम बहुत बड़ी हो गया था, तो वहाँ से फिर मैं गया था अपने डेंटर के पास एंड उन्होंने ये पूरा फिटिंग कर लिया है, तो गाड़ी का कुछ लोग ऐसा है क्रोम फिनिश लोगो फॉग लाइट्स टेल लाइट, फॉग लाइट मैंने अलग से डलवाया है, उसमें 300 वॉट का बल्ब है मतलब 150 150, वो कौन सी ब्रांड का है ये सब मैं आपको कल बताऊंगा, कल मुझे वापस जाना है हरदीप भाई के पास। सो गाइस चलो आज के व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और कल मुझे वापस जाना है हरदीप भाई के शॉप पे, फॉग लाइट का जो सेटिंग है ना वो करवाना है, बिकॉज रात के टाइम में फॉग लाइट सेटिंग में कर सकते था, प्रॉब्लम ये था कि बारिश हुई थी ना, तो बारिश में वो प्रॉपर वो नहीं दिखता है एक्चुअली व्हाइट लाइट्स, तो कल प्रॉब्ली अगर रात को बारिश नहीं हुई ना शाम के टाइम के बाद, तो मैं जाऊंगा हरदीप भाई के शॉप पे एंड मैं वापस फॉग लाइट का सेटिंग कराऊंगा, एंड ये इसमें मैंने कितना खर्चा किया है वगैरह वगैरह ये सब मैं चीज़ आपको मैं कल की व्लॉग में बताऊंगा जब मैं हरदीप भाई के शॉप पे जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक्चुअल में ना उनसे भी ये टॉपिक में बात नहीं किया है, और मुझे ये एक्चुअल में अप्रॉक्सीमेट 20,000+ ही आई थिंक रहेगा, बिकॉज मैंने उनको प्राइस भी नहीं पूछा था, मैंने उनसे बोला कि आप मंगा लो मुझे कैसे भी करके, ये जो पूरा फेसिप है ना ये मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए किसी भी करके, तो उन्होंने मुझे पूरा मंगा के दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैंने प्राइस के बारे में कुछ बात नहीं की है, तो कल बात करेंगे टॉपिक के बारे में। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते गए, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हेड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा सिर दर्द है, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल दैट टाइम पीस।